Bismillah Hir Rahim. This is your computer science class, and today we continue with the chapter number two, which is data devices. Today we start with the topic, which is Blu-ray disc. What are Blu-ray disc? In the previous lecture, we have learned about CDs and DVDs. Today we start with Blu-ray disc. इट इस लुक सिमिलर लाइक सीरीज एंड डी ये जो हमारे पास ब्लू रे डिस्क है ये सिमिलर टू सीडीज़ और डी की ही तरह होती है ठीक है उसकी लुक कैसी होती है या ये किस तरह की होती है सीरीज़ और डी की ही तरह होती है इट कैन स्टोर अप टू ट्वेंटी फाइव जी बी डाटा इसमें कितना डाटा सेव हो सकता है अप टू ट्वेंटी फाइव जी पीज़ हमारे पास डाटा सेव हो सकता है जबकि डीवीडी में हमारे पास कितने था सेवन फोर पॉइंट सेवन जी पीज़ और हमारे पास सी डी रोम में कितना था सेवन हंड्रेड एम ठीक है ना तो हमारे पास ब्लू है डिस्क में बहुत ज़्यादा डाटा हम क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं ब्लू रे रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ ब्लू रे इट डिस्क जिस तरह डीवीडी को uh, जो यूज़ करने के लिए डीवीडी रोम रिक्वायर्ड था सीडी को रोम को सी रोम को यूज़ करने के लिए सीडी रोम ड्राइवर यूज था यूज होना था इसी तरह ब्लू रे डिस्क को यूज़ करते हुए ब्लू रे रीडर भी यूज़ होगा ठीक है सम हायर मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैव दिस ब्लू रेड डिस्क जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं की जाती है ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल के जो लैपटॉप्स हैं उसमें जो है ये जो ब्लू रे रीडर जो है वो अवेलेबल होते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क क्या होता है अ हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क कॉल्ड डिस्कटर्स आपके पास हार्ड डिस्क ये आपको नजर आ रही है ये आपके पास हार्ड डिस्क होता है इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है ठीक है अब आपके पास हार्ड डिस्क क्या है वो किससे बनी हुई है कलेक्शन ऑफ डिस्क से आपको ये राउंड राउंड नज़र आ रही है ना ये डिस्क हैं बहुत ज़्यादा डिस्क हैं ठीक है थीके? इनके कलेक्शन से आपके पास क्या बनी है हार्ड डिस्क और ये जो आपके पास सर्कल्स हैं ये आपके पास कहलाते हैं प्लेटर्स ठीक है द प्लेटर्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक एंड ईच प्लेटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सर्कल कॉल्ड ट्रैक अब आपके पास ये सारे जो प्लेटर्स हैं ठीक है ना ये डिवाइड कर दिए गए सबसे पहले तो ये कॉडिड है मैग्नेटिक से ठीक है ना और उसके बाद इनको ना डिवाइड कर दिया है ईच प्लेटर को किस में ट्रैक्स में आपको ये नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का दिस वन ये आपके पास क्या कहलाते हैं ट्रैक्स अब ये एक है इसी तरह ये भी आपके पास ट्रैक है ये भी आपके पास ट्रैक है ये सारे आपके पास क्या है ट्रैक्स हैं ठीक है द ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स अब ये पार्ट जो आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है ये आपके पास क्या कहलाता है सेक्टर कहलाता है इसी तरह ये पार्ट आपके पास सेक्टर कहलाएगा ये सारे आपके पास क्या है सेक्टर्स है आपके पास जो है हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ सेव होता है इन ट्रैक्स में या इन सेक्टर्स में ठीक है आप कोई भी डाटा अगर हार्ड डिस्क में सेव करते हो तो वो कहाँ सेव होगा इन सेक्टर्स में या इन ट्रैक्स में ठीक है ओके स्टूडेंट अब हमारे पास एम सी क्यूज हैं फर्स्ट एम सी क्यूज़ आपके पास क्या है अ डैश इज सिमिलर टू अ टी वी स्क्रीन आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि टी वी स्क्रीन की तरह क्या है वी डी यू ठीक है अब प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड डैश प्रिंटेड आउटपुट आपके पास क्या कहलाती क्या क्या है हार्ड कॉपी तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसिस वह डिवाइसिस जिसके थ्रू कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस टच स्क्रीन्स आर यूज इन बोथ ए टी एम एंड टैबलेट ए टी एम मशीन्स में भी हमारे पास टच स्क्रीन यूज़ होती है ठीक है जबकि टैबलेट भी हमारे पास क्या होता है टच स्क्रीन उसमें भी यूज़ होती है डैश इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाई कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन इज़ द रिज़ल्ट रिजल्ट और द आउटपुट गिवन टू कंप्यूटर ठीक है नेक्स्ट आपके पास वर्कशीट है क्वेश्चन नंबर वन है वर्कशीट का हु एम आई आपने बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं नंबर ए है आपके पास आई एम सिमिलर टू द टी वी स्क्रीन आंसर क्या आपके पास वी डी यू या मोनीटर मोनीटर और वी डी यू जो है आपके पास किससे सिमिलर सिमिलर है टी वी स्क्रीन से सिमिलर है ना ठीक है बी आपके पास है कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन डेट रिकग्नाइज द टच इनपुट वो कह रहे हैं कि एक मैं एक ऐसा कंप्यूटर हूँ जो टच को एज आ इनपुट लेता है तो कौन से डिवाइसेस ऐसी हैं जो टच को एजा इनपुट लेती हैं टच स्क्रीन ठीक है सी आपके पास है आई एम द टाइप ऑफ प्रिंटर टैट प्रोड्यूस डिज़ायर करेक्टर ऑन ड्रम तो कौन सा प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है डी आपके पास है आई एम द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर क्या कहलाती है मेमोरी ठीक है ई आपके पास है आई एम द रिज़ल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर जो रिजल्ट कंप्यूटर के थ्रू दिया जाता है वो क्या कहलाता है आउटपुट ठीक है नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके पास जंबल वर्ड्स हैं आपके पास ये वर्ड्स गिवन वन है आपने क्या करना है इनको अरेंज करने हैं ए आपके पास क्या है फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट वी वांट टू वांट द कंप्यूटर तो आंसर इसका क्या है डाटा सेकंड आपके पास बाइट्स है सी आपके पास वोला है डी आपके पास लग्जरी है और ई e, आपके पास फ्लॉपी है ठीक है नेक्स्ट आपके पास वर्ड सर्च है आपको ये एक टेबल गिवन है इसमें से आपने वर्ड को क्या करना है सर्च करना है तो इसमें आपके पास कौन कौन से हैं रैम है। अब इसमें आपके पास कौन कौन से हैं ये देखें ये रैम आपके पास बन रहा है ई ई पी रोम बन रहा है ई पी रोम बन रहा है पी e रोम बन रहा है और रोम ये वो वर्ड्स हैं जिस जो इस टेबल में मौजूद हैं ठीक है